हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। ICAR टेक्नीशियन 2022 का जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 25 जनवरी से आपका शेड्यूल्ड है। अब ऐसे में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में ये सवाल आ रहा है कि अभी तक एडमिट कार्ड आए नहीं है तो फिर एग्ज़ाम फिर किस तरीके से हम देंगे, या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ जो है वो आपकी ICAR की तरफ से नहीं आई है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स जो आपके मन में आ रहे हैं वो सारे मैं क्लियर करूंगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें जिससे बाकी स्टूडेंट्स को इस बात की जानकारी हो सके। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि लास्ट डेट जो थी आपकी फॉर्म फिलिंग की 10th ऑफ जनवरी थी, लेकिन ICAR ने देखा कि कुछ इशू आ रहा है वेबसाइट में, लोग भर नहीं पा रहे, तो उन्होंने डेट एक्सटेंड करते 20th ऑफ जनवरी आपकी कर दी। अब खुद एक बात आप बताइए कि 25 जनवरी से एग्जाम शेड्यूल्ड है और 20 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है, तो कौन ऐसा वो है कि भाई 5 दिन में वो एडमिट कार्ड भी दे देगा और आपका एग्जाम भी स्टार्ट करवा देगा। देखिए कॉमन सी बात, आप खुद ये सोचिए, ठीक है, जितने भी आपने अभी एग्जाम के फॉर्म भरे होंगे आप सभी को पता है कि हर एग्जाम जब भी आपका होता है उसके 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जो होते हैं वो आपके आ चुके होते हैं। ठीक है, अब 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आ चुके होते हैं जिससे स्टूडेंट जो उनका जो एग्ज़ाम सिटी होता है जहाँ पे उनका सेंटर पड़ता है जिससे वो आसानी से पहुँच सके, टिकट वगैरह करा सके। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम जो होता है आपका दूर पड़ जाता है। ठीक है, तो अब ऐसे में जैसे ही 20th ऑफ जनवरी एक्सटेंड की थी, मैं कन्फर्म डेफिनेटली समझ गया था कि आपका जो 25th ऑफ जनवरी को एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी नहीं कराता है। अब सबसे बड़ी बात कि अभी तक एग्जाम पोस्टपोन की न्यूज़ नहीं आई, तो देखिए मैं बता दूं आपके कि 24th ऑफ जनवरी इवनिंग में आपकी न्यूज़ आपकी आएगी कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, अब एग्ज़ाम आपका कब होगा तो ये भी मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम आपका लगभग कब शेड्यूल्ड होगा, लगभग आपका 10 से 15 मार्च के बीच आपका एग्ज़ाम जो होगा वो लगभग आपका शेड्यूल्ड होगा। ठीक है, अब ऐसे में आप सबके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी आ रही है। क्या आ रही है कि आपके पास लगभग 1 महीने के ऊपर का भी, 1-1.5 महीने के आपका ऊपर का टाइम मिल गया कि आप चाहो तो प्रिपरेशन अपनी बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ एक चीज़ और है कि जितने भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि बाकी स्टूडेंट को प्रिपरेशन का मौका मिलेगा, तो आप ध्यान रखिए कि आपके पास भी 1.5 महीना है। ठीक है, आपके पास भी 1.5 महीना है कि अगर वो बूस्ट करेंगे तो आप भी चाहो तो जितना ज़्यादा हो सके बूस्ट कर सकते हो। अब ये अपनी मेहनत के ऊपर है कि कोई कितना ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स ICAR के बारे में कट ऑफ वगैरह की मैं ऑलरेडी इस चैनल पर डाल चुका हूँ, और बाकी कोई अगर अपडेट्स आती है पोस्टपोन की मैं आपको इस चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। तो मेक श्योर आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करें। मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए, अगर कोई बचा हो तो आप हमें इस चैनल पर पूछ सकते हैं। ओके, चल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाकी बहुत सी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।